वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मोरिंगा हेयर पैक। ठीक है, तो मोरिंगा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, मैंने एक कटोरी के करीब मोरिंगा लिया है और इसके पत्तों को अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लेना है, क्योंकि जो भी गंदगी रहेगी वो सब निकल जाएगी। ठीक है, तो मोरिंगा हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। मोरिंगा में आयरन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है यहाँ पर मोरिंगा लीव। ठीक है, तो इसको हम लोग एक मिक्सी में डाल देंगे अच्छे से, और उसके बाद हम लोग इसको मिक्सी में डाल देंगे। और मिक्सी के प्याले में डालते हुए हम लोग अभी इसमें हम लोग को और भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगी, जिसमें हमको चाहिए यहाँ पे कड़ी लीव्स। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इतनी सी मात्रा में कड़ी लीव्स ले रही हूँ। कड़ी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे व्हाइट हेयर को जल्दी से ब्लैक करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, और कड़ी लीव्स का अगर हम लोग डेली खाने में भी सेवन करते हैं तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाइस। और इसको हम लोग आराम से मिक्सी में ब्लेंड करेंगे दही के साथ। ठीक है, तो आप लोग मोरिंगा हेयर पैक ज़रूर भी यूज़ कीजिएगा। और आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दही जो होता है हमारे बालों को अच्छे से कंडीशनिंग करता है। ये देखिए, मैंने करीब करीब एक प्याली यहाँ पर दही ली है, और आपको भी इसी तरह से लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दही भी हमारे बालों को बहुत अच्छा से कंडीशनिंग करता है, और जो भी इसमें हम लोग इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो सब नेचुरल है, तो हमारे बालों को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं करेगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें दही डाल दिया और इसको भी हम लोग को अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है, तो कड़ी पत्ता जो है हमारे बालों को, जो भी वाइट हेयर आते हैं कम एज में, उसको नेचुरली ब्लैक करता है। ठीक है, और करी पत्ता में बीटा कैरोटीन बहुत मात्रा में होता है, जो हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक करता है, मजबूत बनाता है और बहुत ही हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो। देखिए गाइज, मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। आप लोगों को भी इसी तरह का एक फाइन पेस्ट बनाना है और अपने बालों पे लगाना है। ठीक है, मोरिंगा हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें कुछ ऐसे मिनरल और विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और कड़ी लीव हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, इसको मैंने एक फाइन पेस्ट बनाया है, तो आप लोग भी फाइन पेस्ट ही बनाइएगा। ठीक है, और ये जो भी हेयर मास्क है, ये हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत ही फास्ट करेगा और बहुत ही तेज़ी से हमारे हेयर को लॉन्ग करेगा, थिक करेगा, ब्यूटीफुल बनाएगा। और इसको सप्ताह में दो बार ट्राई करना है, और इसको अपने बालों पे लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। आप चाहो तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा रखना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसको रख के उसके बाद अच्छे से पानी से वॉश करके निकाल देना है, क्योंकि इसमें पत्ते हैं तो चिपकने लगते हैं। अगर आपके बाल में डैंड्रफ है तो आप इसमें नीम लीव भी डाल के और उसको भी आराम से ब्लेंड करके अपने बाल में लगा सकते हैं। अगर आपके पास दही ना हो तो आप उसके जगह पर छाछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसको पूरे अपने रूट से टिप तक बालों पे लगाना है, और लगाने के बाद 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ना है। और इसी तरह का एक फाइन पेस्ट बनाना है आपको, क्योंकि मोटा पीसेगा तो आपके बालों में फंसेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।